तो दोस्तों लाल किला के अंदर जो देखने जाते हैं बंदूक वगैरह वो आराम से देख सकते हैं कि पुराने जमाने की। तो आप लोग कैसे ऐसा करते हैं बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम दोनों बहन आ चुके हैं लाल किला घूमने के लिए। अभी टिकट ऊपर ले चुके हैं, अभी अंदर जा रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में बनी रही है, अपना पासपोर्ट बनाए रखना। आप लोग को मैं दिखाते हैं लाल किला के अंदर क्या क्या चीज़ है। दोस्तों ऐसे ही बनी रही है, आगे चल कर दिखाते हैं। मैं पहुँच आई हूँ, अभी गेट के बाहर हूँ, गेट के पास पहुँच आई हूँ, अंदर जाती हूँ। तो इसे वीडियो बने के लिए दिखाते हैं अभी तक का। तो दोस्तों इस गुफा से हम निकलते हैं, इस दीवार के ऊपर नज़र डालते हैं जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही पुराने ज़माने की बनी है। यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा हमारे देश का तिरंगा है, जो कि आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हम इस गुफा के अंदर अभी जस्ट ही प्रवेश करेंगे। और ये रहा यहाँ का चांदनी चौक, जैसा बोलते हैं कि वो लाल किला के अंदर की मार्केट है। देखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है, बट इसकी महंगाई अगर बात की जाए तो आप जितना भी पैसा लेके जाएंगे कम पड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि शॉपिंग भारी करने के लिए अंदर नहीं आने के लिए। और आप घूमने के लिए प्लेस देख सकते हैं तो बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खास करके कॉस्मेटिक सामान सारे लेडीज़ की है। अब लेडीज़ कॉस्मेटिक सामान ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको वाइट कलर का जो बंगला टाइप का बनाया गया, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर जाएँगे तो आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो आ गए हैं यहाँ पे, हम देखेंगे तो 3 डोर है। फर्स्ट डोर ये है और जो कि ऐसे पुराने ज़माने के हिसाब से बना पड़ा है। 3री डोर है। फिर हम फ्रंट चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारे ज़माने के हिसाब से बहुत सारे पोस्टर वगैरह, जैसे पुराने ज़माने में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारे लाल किला के अंदर की जो भी पहले की कहानियाँ थी यहाँ पर दस्तावेज में एकत्रित की कर और रख दी गई है कांच के अंदर, आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ आपको मिलेंगी तलवारें वगैरह, जो कि आंचल बहुत ही प्यार से देख रही है, काजल बैक में देख रही है। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे कुछ तलवारें आपकी रखी हुई है, जो कि उस ज़माने की है जिस ज़माने में हम सिर्फ लाल किला का नाम सुना करते थे, पर कभी हम थे ही नहीं तो जानेंगे क्या। बाकी आज इस चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर रखा गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से आके कि क्या कैसे क्या हुआ था। और इसी के साथ हम देखते हैं कुछ बुकस वगैरह जो कि पुरानी कहानियों के हिसाब से लिख कर रखा गया कि लाल किला के अंदर कैसा क्या रहता था और ज़माने के हिसाब से कैसा बदला। तो हम फिर आगे बढ़ रहे हैं और अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगी पुराने ज़माने की वो गने जिसमें 1 और 2 की गोलियाँ लिखती थी। और हम करीबी से आपको नज़दीकी से भी दिखाना चाहेंगे, आप पहचान के बता सकते हैं कि कौन सी गन कैसी है कैसी नहीं है। हे आंचल देखो कैसी खुश हो रही है, अगला आ गई है कि पहली बार आई है ना, ऐसा लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों आप गन बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, जो कि लकड़ी के और फाइबर में और स्टील की बॉडी से बने होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं धीरे धीरे अब आगे। और यहाँ पे वो दिखेगा आपको प्यारा सा लोकेशन जो कि गार्डन टाइप का दिखेगा। और यहाँ पर आपको जैसे कि आप आते हैं किसी के साथ में बैठ उठ सकते हैं, थोड़ा टाइम बेस्ट मतलब व्यतीत कर सकते हैं अच्छे से, और इन्जॉयमेंट के लिए नहीं ऐसा है। अच्छा चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हम फिर बढ़ रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि ये बहुत टाइम यहाँ पे बीत चुका है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे हम आएंगे तो खाली खाली से निकासी स्टी मिलेगा जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी गार्डन आपको दिखेगा, जो कि बैठने के लिए उतना नहीं होता लेकिन आप टाइम व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, देखने को कि कैसा बनाया गया, डिज़ाइन में किस प्रकार से बनाया गया है। बंगले देख सकते हैं जहाँ का मंजिल है, वो दूसरा है, ये तीसरा चौक बोले तो अंदर जाएंगे तो आपको 4-5 ऐसा घर जैसा देखने को मिल जाएगा जिसकी ईंटें पुराने ज़माने से बनी हुई है। और एक किला बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको तेरा हमारा मंजिल दोस्तों। और हम इसी के साथ अब थोड़ी टाइम और बिता के फिर उसके बाद बाहर चलेंगे। आप देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं, बैठने का भी स्थान है यहाँ पे, आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे आप कुछ टाइम आराम से रह भी सकते हैं। बट इतना है कि टाइम के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक एक चीज़ हम दिखाते जा रहे हैं और बहुत प्यार से बैक कैमरेज दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं। तो
दोस्तों यहाँ पे आपको लाल किला के अंदर घूमना है तो जा सकते हैं, क्योंकि अगर लाल किला के आप बाहर हैं तो यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चोर बाजार यहीं पे लगती है लाल किला से। सावधान रहें, अगर आपको घूमना है तो कुछ टाइम अपने साथी के साथ घूमें और आराम से बाहर आ जाएं।